तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। शाहरुख खान बॉलीवुड का ऐसा पहला एक्टर बन चुका है दोस्तों, जिसने इतने सारे करोड़ कमा लिए हैं। दोस्तों बॉलीवुड छोड़ो, पूरे इंडिया का ऐसा एक्टर बन चुका है जिनने बहुत सारे करोड़ कमा लिए हैं। दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नया चैनल सपोर्ट करें। भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो शाहरुख खान की इस साल 3 मूवी आई है, जिसका नाम है पठान, जवान और डंकी। तीनों ही फिल्में दोस्तों, भाई साहब यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भाई साहब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कई सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई शाहरुख खान अपनी तीसरी फिल्म के साथ यानी डंकी के साथ भाई कभी हैट्रिक नहीं मार पाएगा। दोस्तों डंकी मूवी हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। दोस्तों यानी कि शाहरुख खान ने साल में 3 दोस्तों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी देकर दोस्तों शाहरुख खान ने हैट्रिक मार दी है। दोस्तों हाँ भाई, 1000 करोड़ की हैट्रिक नहीं लगी, लेकिन दोस्तों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की तो हैट्रिक लग गई भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो साल में शाहरुख खान ने 2500 करोड़ कमाकर यह साबित कर दिया कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार, आई एम द लास्ट सुपरस्टार, ऐसी कुछ कहा था जो कि भाई आज तक किसी भी इंडियन एक्टर ने इतने करोड़ नहीं कमा के दिए बॉलीवुड सिनेमा को, यानी कि इंडियन सिनेमा का। दोस्तों जो कि शाहरुख खान ने 3 फिल्मों के साथ बना कमा के दिए। बाकी 25 करोड़ से दोस्त करोड़ से लेके अभी और कलेक्शन आगे जाएगा। भी डंकी मूवी दोस्तों रनिंग में चल रही है, इस तरह की बातें बताई जा रही है। दोस्तों जवान मूवी ने 1160 करोड़ कमाए, पठान मूवी ने 1050 करोड़ कमाए, डंकी मूवी अभी 323 करोड़ कमा रही है, जो कि अभी तक दोस्तों रनिंग में। दोस्तों कहां तक जाएगी, 500 में, 600 में या 400 पे कहां तक जाएगी, अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही है। दोस्तों फिलहाल दोस्तों शाहरुख खान इंडियन फर्स्ट एक्टर बन चुके हैं जो कि भाई साहब इतने सारे करोड़ कमाने वाले इंडिया में। दोस्तों साउथ, तमिल, तेलुगु मिलाकर पूरे हिंदुस्तान का जो एक्टर है भाई, नंबर वन एक्टर बन चुका है शाहरुख खान, जो कि एक साल में इतने सारे करोड़ कमाने वाले, 2500-2600 करोड़ दोस्तों कमाने वाला एक्टर बन चुका है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों तो गाइस यहाँ पर शाहरुख खान के बारे में दोस्तों, जो कि शाहरुख खान ने कहा था कि आई एम लास्ट सुपरस्टार, और कई सारे लोग जो पठान आई थी ये कह रहे थे कि भाई पठान मूवी हिट नहीं होगी, फ्लॉप होगी, हम दबा देंगे। दोस्तों पठान मूवी के पीछे बॉयकॉट गैंग दोस्तों पड़ गया था, लेकिन दोस्तों बॉयकॉट गैंग का खात्मा तो करा पठान मूवी ने, उसके बाद थोड़ा जो बचा बॉयकॉट में भाई डंकी और जवान मूवी ने दोस्तों पूरा ही खत्म कर दिया। लेकिन भाई डंकी मूवी को किसी ने भी बॉयकॉट नहीं करा, क्यों नहीं करा, उन्हें पता है कि भाई अगर हमने बॉयकॉट करा तो डंकी दोस्तों वहाँ जाएगी, वहाँ जहाँ पठान से भी आगे जाके भाई। बॉयकॉट गैंग दोस्तों एक रॉकेट कर रहा है भाई, रॉकेट अपने अंदर हवा भरते रहो, हवा भरते रहो, हवा भरते रहो, और दोस्तों जब फटता है दोस्तों कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर फटता है। और दोस्तों भाई साहब जो लोग फिल्म नहीं देखते ना नफरत के मारे भाई, वो फिल्म भी जाकर देखते हैं दोस्तों कि भाई इन लोगों ने बॉयकॉट कैसे करा। हम तो अब ज़रूर मूवी देखेंगे, हम मूवी अच्छी हो बुरी हो हमें तो जाकर ही देखना है। दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों बाकी आपको क्या लगता है, शाहरुख खान जैसे कि मैंने बताया कि 2023 का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, बाकी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा सुपरस्टार आएगा जो कि साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवी देगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब।